नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश में। आपके साथ मैं हूं पूजा कवियागोमा। कोरोना के बढ़ते हुए मामलों ने भारत की चिंता को बढ़ा दिया है। चीन में तबाही मचा रहा ओमिक्रोन का सब वेरिएंट BF.7 पूरी दुनिया के लिए परेशानी का सबब बन चुका था और इसके मामले भारत में भी लगातार मिल रहे हैं। कोरोना केसों के बढ़ने के साथ ही स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट मोड पर है और इसे लेकर कई हाई लेवल की बैठकें हो चुकी हैं। इस बीच अमेरिका में नए वेरिएंट बड़ी तबाही से वहां पर खलबली मचा रहा है। ये सब ओमिक्रोन का XBB.1.5 वेरिएंट है और ये BQ1 वेरिएंट से 120% तेजी से फैलता है। इधर विशेषज्ञों के मुताबिक अमेरिका में COVID-19 के 40% से अधिक मामले ओमिक्रोन के इसी सब वेरिएंट यानी कि XBB.1.5 के कारण फैल रहे हैं। XBB को पहली बार अगस्त में भारत में पहचाना गया था। एक वेरिएंट में अतिरिक्त म्यूटेशन को लेकर जो इसे शरीर की कोशिकाओं से बेहतर तरीके से जुड़ जाता है, जो कि शरीर की कोशिकाओं को कसकर बांध लेता है ताकि वो आसानी से अंदर जाकर अपना संक्रमण फैला सके। महामारी विशेषज्ञ एरिक फिंगल डिंग के मुताबिक नया वेरिएंट और XBB की तुलना में ज्यादा बेहतर तरीके से शरीर की इम्यूनिटी से लड़कर बच निकलता है। विशेषज्ञों का कहना है कि डेटा से पता चलता है कि XBB वेरिएंट BQ वेरिएंट से 120% ज्यादा खतरनाक है। XBB न केवल एंटीबॉडी को प्रभावित कर रहा है बल्कि उसे कमजोर भी कर रहा है। वैज्ञानिकों ने यह भी चेतावनी दी है कि XBB जैसे सब वेरिएंट का आना वर्तमान कोविड वैक्सीनेशन के असर को कम कर सकता है, जिससे संक्रमण के साथ साथ नए इन्फेक्शन भी बढ़ सकते हैं। अमेरिका में फैल रहा XBB संभवतः रिकॉम्बिनेशन वेरिएंट है जो पुराने XBB की तुलना में 96% तेज है। ऐसे में जिस तरफ से विश्व में नया वेरिएंट तेजी से फैल रहा है उसको ध्यान में रखते हुए सावधानी रखने और सरकार की जो जरूरी गाइडलाइंस है उसका पालन करने की आवश्यकता है ताकि जो नया सब वेरिएंट है उससे लड़ाई लड़ी जा सके। तो नया वेरिएंट हमारे लिए नई चुनौती लेकर आ रहा है, लेकिन उस चुनौती से निपटना कैसे है और उसके लिए हमें क्या कुछ करना है, इसी को लेकर आज की हमारी खास पेशकश। खास मेहमान, खास पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है, सभी का परिचय, उसके बाद इसी पर चर्चा। हमारे साथ डॉक्टर नरेश चावला जी, नेशनल ज्वाइंट सेक्रेटरी, जुड़ चुके हैं IMS से। बहुत स्वागत है सर कार्यक्रम में आपका। हमारे साथ डॉक्टर मेखला चंद्रा, फिजिशियन सीनियर कंसल्टेंट, USA से जुड़ी है। बहुत स्वागत है डॉक्टर मेखला आपका भी हमारे कार्यक्रम में। सबसे पहले डॉक्टर नरेश चावला, आप इसी कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। जिस तरह से कोरोना को लेकर लगातार हम ये कोशिश कर रहे हैं कि लोगों के बीच पैनिक की बजाय सही सटीक जानकारी मिल पाए, उसी को मद्देनजर रखते हुए एक नए सब वेरिएंट जिसको XBB का नाम दिया जा रहा है उसकी तुलना BQ से की जा रही है, किस तरह से सर इस नए वेरिएंट को देख रहे हैं? सबसे पहले इस नए वेरिएंट के बारे में आपसे समझना चाहेंगे। ये एक तो BF.7 है जो कि चाइना में काफी कहर मचा रहा है और मैं बता दूं हिंदुस्तान की इसकी एंट्री ऑलमोस्ट सितंबर में हो चुकी है और 3-4 केस डिटेक्ट भी हो चुके हैं। हमारी चिंता इतनी है कि जिस तेजी से वो चाइना में फैला है उस तेजी से वो हिंदुस्तान में तो नहीं फैलेगा, लेकिन अभी तक कुल मिला के खबर काफी अच्छी है कि चाहे इम्यूनिटी कह लो, चाहे हमारी हाइब्रिड इम्यूनिटी जो हमें हमारी वैक्सीनेशन काफी अच्छा हुआ है उससे मिल गई है, या हमारे देश में कोरोना बहुत फैला था डेल्टा सेकेंड वेव के दौरान, बहुत लोगों को, कई लोगों को तो खाली केसेस बदले की बीमारी हुई थी, कई हजारों लाखों करोड़ों केस हम समझते हैं उनको सब क्लिनिकल अटैक होके खाली इम्यूनिटी मिल गई। तो अभी तक कुल मिला के हम कहेंगे कि स्थिति काफी शांत है। जहां तक US के XBB.1.5 की बात है, वो भी हमारे देश में पहले कुछ केसेस आए हैं लेकिन उन्होंने अभी तक कोई उनका बहुत ज्यादा स्प्रेड यानी कि फैलाव नहीं हुआ है। तो अभी तक तो मैं कहूंगा वी इंडियंस आर सिटिंग प्रेटी विस चाइनीज, हमारी इम्यूनिटी बेहतर चल रही है। हालांकि चाइना में जो खबर मिल रही है वो काफी दुखदायी है, काफी केसेस और काफी डेथ, बट टिल नाउ आई वुड से वी आर क्वाइट, स्थिति काफी नियंत्रण में है। हमारा डर एक ही है कि जिस तेजी से वो वहां फैला है उस तेजी से यहाँ तो नहीं फैलेगा। तो आई वुड से टिल नाउ फॉर ऑलमोस्ट 15-16-17 डेज वी आर वॉचिंग द सिचुएशन बट इंडियंस आर डूइंग वेल। तो मेरी तो इस सब देख के एक ही आम लोगों को, एक ही जनों को, एक ही
सलाह रहती है, भाई अभी तक शांति है, लेकिन जैसे कि कहा जा रहा है ये दोनों वेरिएंट्स BF.7B और XBB.1.5B ये जो एग्जिस्टिंग इम्यूनिटी को क्रॉस करने की क्षमता रखते हैं, तो वो क्रॉस करेंगे या नहीं करेंगे? टिल नाउ इंडिया में जितने केस हो रहे हैं क्वाइट, हम कहेंगे जो मोस्टली इंडिया में केस हो रहे हैं वो BA.2 के हो रहे हैं, ये इतने BF.7 के भी नहीं हो रहे, XBB.1.5 के भी नहीं हो रहे। तो कुल मिला के वी आर क्वाइट कंट्रोल्ड, बट माई सलाह टू माई ऑल कंट्री मैनेजर्स कि वो दोनों एप्रोप्रिएट बिहेवियर को फॉलो करना, और दूसरा जो मैंने बार बार कहा है इंडियंस को बूस्टर डोज अभी काफी कम लगाई गई है, तो जो बूस्टर डोज उनको नहीं लगी वो लगवाएं। और मैंने आपके चैनल के माध्यम से पहले भी अपने कंट्री लीडरशिप को अपील की थी कि बूस्टर डोज को फ्री कर दिया जाए ताकि लोग बाग आए वैक्सीन सेंटर पे और अपनी डोज लगवाएं। अगर हम ये दो चीजें कर लेते हैं तो हमें बहुत ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है, नो पैनिकिनेस, नो जनता को डराना, सिर्फ एहतियात और प्रिकॉशन, बिल्कुल सावधानी बरतने की जरूरत है, इसको लेकर चर्चा हम आगे करेंगे। डॉक्टर मेखला चंद्रा जी, इस वक्त जो नया वेरिएंट है कितनी बड़ी नई चुनौती भारत के सामने आपको लग रहा है कि इसको लेकर होने वाली है, कितना बड़ा चैलेंज भारत के लिए रहने वाला है? और क्योंकि कहा जा रहा है कंपैरेटिवली काफी घातक ये नया वेरिएंट है, 120% ज्यादा जो है घातक बताया जा रहा है, तो इसकी वजह से क्या चिंतित होने की आवश्यकता है? लेकिन सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूंगी कि ये जो वेरिएंट था ये एक्सपेक्टेड था, स्पेशली ड्यूरिंग विंटर मंथ, क्योंकि कोरोना जो है हम जानते हैं ये अपने आप को म्यूटेट करता रह रहा है, एंड तो कोई ना कोई वेरिएंट आना ही था। अब इससे डरने की जरूरत है, द गुड न्यूज इज कि हम लोग काफी सारी इंडियन पॉपुलेशन हमारी वैक्सीनेट हो चुकी है, काफी सारे बूस्टर डोज भी लगा रहे हैं, अभी इंट्रानेजल वैक्सीन भी आई है जो बूस्टर डोज के तौर पर आई है, जनवरी एंड से उपलब्धि हुई यूज की, तो हमारी इंडियन पॉपुलेशन में काफी हर्ड इम्यूनिटी बन चुकी है जो कि अमेरिकन पॉपुलेशन में आप नहीं देखेंगे, क्योंकि वहां पे वैक्सीनेशन रेट कम है कंपेयर टू द पॉपुलेशन रेशियो। द गुड न्यूज इज कि हाँ हम लोग प्रिपेयर्ड हैं बेटर, हमारे हॉस्पिटल्स भी प्रिपेयर्ड हैं, हमारी इम्यूनिटी बेटर है। ये जो वेरियंट है ये हाईली इन्फेक्शियस है, 1:18 का इसका रेशियो बताया जा रहा है, यानी कि एक पेशेंट 18 लोगों को अफेक्ट कर सकता है जी। तो इसकी स्प्रेड ज्यादा है, बट इसकी जो विरुलेंसी है, जो पोटेंसी है एंड डेथ रेट है वो हम कम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कम, लेकिन चुनौती के तौर पर अगर देखा जाए डॉक्टर मेखला तो चुनौती आप बता रहे कि उतनी बड़ी नहीं है अगर हम सब एहतियात बरतेंगे। अब इस नए वेरिएंट को अगर हम देखें जिस तरह से अब ये अमेरिका में काफी घातक साबित हो रहा है, भारत के लिहाज से क्योंकि भारत का एटमॉस्फेयर, भारत का वातावरण वो सब बिल्कुल उससे अलग है, तो हम क्या समझे भारत के लिए भी वो सेम रहने वाला है जिस तरह से अन्य देशों पे वो कहर बरपा रहा है? देखिए जैसे सेकेंड वेव आई थी हमारी एक्सपेक्टेंसी थी उतनी उतनी हम डेथ रेट मोर्टेलिटी नहीं देखेंगे, इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपना गार्ड डाउन करें, इसका मतलब ये है कि आप अपना कोविड प्रिकॉशन बिहेवियर जो होता है वो कंटिन्यू करें, स्पेशली ड्यूरिंग दीज विंटर मंथ जहाँ पे गैदरिंग हो रही है, सोशल हॉलीडे गैदरिंग हो रही है। और अगेन आपके चैनल के थ्रू मैं यही बताना चाहूंगी कि आप अपनी बाकी वैक्सीन पे भी ध्यान दीजिएगा, इस बार हम देख रहे हैं कि जो फ्लू स्ट्रेन आया है वो एटिपिकल आया है, ज्यादा सीरियस है, आपको बुखार उसमें 104 तक का दिख रहा है, को इन्फेक्शन ऑफ निमोनिया, इन सब चीजों में भी हमें ध्यान देना है। पर जितना हम सेकेंड वेव में हमने जो देखा है, अनफॉर्चुनेटली आई एम होपिंग कि हमारा इस साल इस वेरिएंट से कम इसका रेट हो, मोर्टेलिटी का, बिल्कुल मोर्टेलिटी रेट कम हो। डॉक्टर नरेश चावला, मोर्टेलिटी रेट कम हो इस तरह की उम्मीद की जा रही है और सावधानी जैसे आप भी कह रहे हैं वो बरतने की जरूरत है, वैक्सीनेशन की बात हम करें तो वैक्सीनेट को लेकर भी तमाम तरह की चर्चाएं चल रही हैं क्योंकि भारत में इम्यूनिटी कहा जा रहा है कि काफी स्ट्रांग हो गई है, लेकिन समय समय पर उसको एक बार फिर से रिव्यू करने की आवश्यकता होगी क्योंकि उसका कुछ तय सीमा बताया जाता है, 4 महीने 6 महीने या उसके बाद उसको फिर से लेने की आवश्यकता होती है। इस सिलसिले में हम चाहते हैं कि आप जरा लोगों को बताएं कि किस तरह से नया बूस्टर डोज की आवश्यकता है या नए सिरे से इंजेक्शनेट या वैक्सीनेट होने की आवश्यकता है। लेट मी पुट द होल सिचुएशन इन पर्सपेक्टिव, सच्चाई ये है कि अगर ये जो लेटेस्ट राउंड ऑफ एक्सेसिवेशन अमेरिका में या एशिया के कुछ देशों में पर्टिकुलरली चाइना में ना आया होता तो हमारी सोच थी कि जो ये कोरोना है हमारे देश पर्टिकुलरली इंडिया में ये एंडेमिक होकर रह जाएगा। एंडेमिक मीन्स
क्योंकि कुछ केसेस लगातार सारा साल चलते रहते हैं, जैसे हमारे देश में पहले वायरल फीवर या जिसको हम फ्लू कहते थे या इन्फ्लुएंजा कहते थे वो चलता रहता था। ये हमारी सोच थी, जो ये दो हफ्ते पहले या ऑलमोस्ट 16-17 दिन पहले एक नया हमें सुनने को मिला कि चाइना में इतनी तबाही मची है और हमें भी डर हो गया कि ये वेरियंट हमारे देश में एंटर तो नहीं करेगा, उससे हमारी स्थिति कुछ सोच बदल गई है। लेकिन आज भी मैं अगर मैं ग्राउंड लेवल पे बात करूं तो आई बिलीव परहैप्स वी मे नॉट हैव एनी एपिडेमिक इन इंडिया एट ऑल। आप कहेंगे कि ऐसे मैं दावे से कैसे कर सकता हूं, तो मैं इसको दावे से नहीं कह सकता। इसीलिए हम खाली उम्मीद करते हैं कि वी विल नॉट हैव एपिडेमिक एनी एपिडेमिक ऑफ एनी ऑफ द न्यू वेरियंट्स, नंबर वन। नंबर टू, दैट ऑल्सो मीन्स कि हम अपनी तैयारी कुछ अच्छी करें, जिसके लिए मैं देख रहा हूं अभी 7-8 दिन पहले क्रिसमस हो के चुका है, 2-3 दिन पहले हमारा न्यू ईयर ही हुआ है, तो हमारी इंडियंस ने सब कुछ बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया है विदाउट एनी कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर, विच इज रादर नॉट गुड। सो आई विल अपील टू माय कंट्रीमैन कि वो थोड़ा सा डरे नहीं, लेकिन थोड़ा मास्क का इस्तेमाल, थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग, थोड़ा भीड़ भाड़ से दूर रहना ऐसा करें। हम देख रहे हैं मॉल्स में, स्कूल्स में, बसेस में, ट्रेन में, मार्केट्स में, होलसेल मार्केट्स में द यूज ऑफ मास्क इज हार्डली, आई वुड से नॉट इवन 2-5-6%। तो मेरी अपील है कि डरिए नहीं। जहां तक आपने स्पेसिफिक सवाल पूछा क्या हमारा जो बूस्टर बार बार रिपीट होना चाहिए, तो शायद वी आर वॉचिंग द सिचुएशन, एज आवर हेल्थ मिनिस्टर हैज सेड नेक्स्ट 4-6 वीक्स आर गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर उसमें कुछ ज्यादा नहीं हुआ तो शायद ज्यादा कुछ नहीं होगा। उसके लिए हमें एक तो जो बूस्टर ड्यू है उन लोगों को लगवाना चाहिए, परहैप्स वी मे हैव टू टेक अनदर बूस्टर ऑल्सो। एज डॉक्टर मेघना सेड, नाउ वी हैव इंडिया द मिसल वैक्सीन ऑल्सो एंड इट इज गोइंग टू बी अ वंडरफुल वैक्सीन। ये वैक्सीन जो लोगों को पहले इंजेक्शन लगा हुआ है वो भी यूज कर सकते हैं, जिनको इंजेक्शन नहीं लगवा हुआ है वो भी यूज कर सकते हैं। तो दो बूंद डालनी होती है, वो इसकी जो इम्यूनिटी है वो हमारे इंजेक्शन की इम्यूनिटी से थोड़ी बेहतर मानी जा रही है। तो अभी उसको मार्केट में आना बाकी है। तो जैसा कि आजकल जमाना बचाव का है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो हम ये सोचते हुए बिना कि अटैक हुई एपिडेमिक आएगा नहीं आएगा, कुछ आएगा नहीं आएगा, हम सिर्फ अपना बचाव करें, दैट शुड बी आवर फोकस। बिल्कुल, बचाव हमें करना है अपना, ताकि नए वेरिएंट की जिस तरह से हम चर्चा कर रहे हैं उससे बचाव हो सके, और जिस तरह से अन्य देशों में हालात है भारत उससे निकल पाए, ऐसी स्थिति ना हो। डॉक्टर मेखला के पास हम चलते हैं। डॉक्टर मेखला, अभी तक आपने जैसे चर्चा में बताया कि किस तरह से हमें जो जरूरी सावधानियां है वो बरतने की आवश्यकता है, यहाँ पर वैक्सीनेशन का भी जिक्र किया गया, नेजल वैक्सीन भी अब आ चुकी है क्योंकि, और जल्द ही वो लोगों के बीच भी पहुंचेगी, अगर हम बात करें उससे कितना फायदा रहने वाला है और उसको लेकर किस तरह से, क्योंकि काफी अच्छे लेवल पर बताया जा रहा है कि उसका रिजल्ट रहेगा, ये भी आपसे जरा समझना चाहेंगे कि उसको जब लिया जाएगा तो क्या वो कोई भी जो लोग हैं वो उसको घर पर ले सकते हैं, या उसके लिए भी जैसे हम पहले सेंटर्स में जाया करते थे बाकी की वैक्सीनेशन के लिए वहां पर जाना होगा, किस तरह से इसकी पूरी प्रक्रिया को जो है अपनाया जाएगा? पूजा जी, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है, और आपके चैनल के माध्यम के थ्रू थोड़ी और इन्फॉर्मेशन इस वैक्सीन के बारे में बढ़ाना चाहेंगे। ये वैक्सीन 3 फेज ट्रायल के बाद अप्रूव हुई है, 3100 पेशेंट्स में हुई है, और ये इसको सुई रहित यानी कि इंजेक्शन बिना वाली वैक्सीन कहा जा रहा है, और इसकी एडवांटेज ये है कि आपकी स्टोरेज जो है, आपकी एप्लीकेशन है, इसके लिए आपको हेल्थ केयर वर्कर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपने ये सवाल पूछा कि क्या इसको घर पे लगा सकते हैं, एंड दैट इज द गोल। अभी तो हॉस्पिटल्स में अप्रूव्ड है, आपको गवर्नमेंट एंड प्राइवेट हॉस्पिटल दोनों में मिलेगी, पर आप इसको घर पे लगा पाएंगे विद अ ड्रॉपर। आप 4 ड्रॉप्स इन ईच नॉस्ट्रल लगाएंगे एंड दैट इज इट। ये सिंगल बूस्टर डोज की तरीके से उपलब्ध होगी, बायोटेक की ये इनकोवैक करके वैक्सीन है। इसमें एक और चीज जानिए, जिनको ऑलरेडी बूस्टर शॉट लग चुका है उसके लिए ये वैक्सीन नहीं है, ओनली अबव 18 ईयर्स, जिनको कोई बूस्टर नहीं लगा है उनके लिए ये वैक्सीन उपलब्ध होगी। डॉक्टर मेखला, इससे पहले जब वैक्सीन कोई भी लगवाता था तो उसके थोड़े बहुत साइड इफेक्ट, जैसे कईयों को फीवर होता था और स्टमक एक और काफी तरह की थोड़ी थोड़ी समस्याएं देखने को मिली थी इनिशियल स्टेज पर, क्या नेजल से भी इसी तरह के कोई सिम्टम दिख सकते हैं? जो आप लोकल साइड रिएक्शन या बॉडी में रिएक्शन की बात कर रहे हैं,
ये इसमें कम एक्सपेक्टेड है इस वैक्सीन में. एक तो डिफरेंट टाइप ऑफ इम्यूनिटी अलॉन्ग विद योर रेगुलर इम्यूनिटी, जिसे हम IgA कहते हैं, जो म्यूकोजा में होती है, वो ये वैक्सीन बढ़ाएगी, जो हमने पहले कभी ट्राई नहीं किया है. मतलब कि इससे आपका जो इन्फेक्शन रेट है, जैसे अभी हमने ट्रांसमिशन रेट के बारे में थोड़ी देर पहले बात करी, वो एक्सपेक्टेड है कि इससे कम होएगा, क्योंकि आपके नाक में ही है, तो नाक से जैसे आप छींकते हैं जो म्यूकस आता है वो आपका ये बढ़ाता है. तो IgA इम्यूनिटी करके ये वैक्सीन इसको प्रिवेंट करेगी, अलॉन्ग विद योर टी सेल मेमोरी सेल्स जो हम बात करते हैं. एंड जो इसके सिस्टमिक साइड इफेक्ट, जैसे आपने पूछा, लाइक एनी अदर फॉरेन बॉडी, कोई भी वैक्सीन में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बट जितनी ट्रायल्स हुई है उसमें अभी काफी सेफ्टी एंड एफिकेसी मिली है, एंड कम्पेयर टू अवर प्रीवियस बूस्टर्स ऑल्सो इट्स अ वेरी सेफ वैक्सीन. ठीक है डॉक्टर नरेश जी, क्या इस वक्त किसी तरह की और गाइडलाइंस की आवश्यकता, क्योंकि पिछले दिनों हमने देखा कि कैसे पहले ही एहतियाती कदम उठा दिए गए, जैसे मॉक ड्रिल की गई तमाम हॉस्पिटल्स में इसको लेकर कि तमाम सुविधाएं हॉस्पिटल में मौजूद है, ऑक्सीजन सिलेंडर से लेकर और वेंटिलेटर तक सब कुछ सुविधाएं हैं या नहीं है. आपको लग रहा है कि आने वाले दिनों में सरकार को कुछ गाइडलाइंस जो जरूरी हैं वो देने की आवश्यकता है, क्योंकि अभी भी जैसे आपने मास्क का जिक्र किया और कोविड बिहेवियर जो अब लोग अपनाते थे वो कहीं अभी दिख नहीं रहा है, लोगों में अभी उस तरह की स्थितियां नहीं दिख रही हैं. पूजा, कुल मिला के मैं दोबारा कह दूं, इंडिया में टिल नाउ द सिचुएशन इज क्वाइट गुड. हमारी जो तैयारियां हो वो गवर्नमेंटल लेवल पे, ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे अलग होनी चाहिए, लेकिन जो लोगों के पर्सनल लेवल पे हैं, जिसकी की मैं ज्यादा जरूरत समझता हूँ, उसकी जरूरत ज्यादा है. गवर्नमेंट क्या कर रही है, एक खांचा तैयार कर रही है, इस ऑर्डरिंग ऑल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन बेड जो पहले डेडिकेटेड बनाए गए थे, अभी दोबारा ऐसा शुरू नहीं किया गया है, बिकॉज द नंबर ऑफ केसेस टू फ्यू, बहुत ही कम है. अभी ऐसा कोई चैलेंज अभी नहीं है. अभी ज्यादा जरूरत, अगर मैं समझता हूँ बिना पैनिक किए हुए, वो दो ही चीजों की जरूरत है, एक कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर की और दूसरा बूस्टर वैक्सीनेशन की. जो नेसल वैक्सीन है वो अभी नहीं आई है, लेकिन बहुत जल्दी मार्केट में आने वाली है, गवर्नमेंटल सेंटर पर दी जाएगी, अभी ये प्राइवेट रिलीज नहीं की जा रही. और प्लस जो एग्जिस्टिंग इंजेक्शन हैं वो ऑल अक्रॉस इंडिया प्लेंटली अवेलेबल हैं. मेरी एक ही अपील है देश की सरकार से, इसको फ्री कर दो, क्योंकि अभी तक ये अबव 60 ईयर्स फ्री है और बिलो 60 ईयर्स के लिए इसके दाम है. तो चूंकि लोग बाग अभी भी उमड़ के नहीं आ रहे हैं, तो अगर हम एक तरफ चिंता व्यक्त करें और दूसरी तरफ कुछ तैयारी न करें तो वो गलत हो जाएगा. तो माई अपील टू एवरी वन इज गो टू द सेंटर, फालतू की चिंता मत कीजिएगा. और सच्चाई तो यह है, हिंदुस्तानी इस समय फालतू चिंता कर ही नहीं रहे, और सबसे बुरी बात तो यह है कि वो कुछ भी नहीं कर रहे, दे आर जस्ट केयरलेस, लापरवाह, बेपरवाह. तो अपील यह है कि डरिएगा नहीं, अभी मुझे उम्मीद है कुछ बहुत ज्यादा नहीं होगा, लेकिन कुछ हो जाए तो हम कुछ कर नहीं सकते, इसलिए इट हैज टू बी हैव सीन द सेकंड. बिल्कुल, एहतियात बरतने की आवश्यकता तो है ही, एहतियात की जरूरत. बिल्कुल, बड़ी आपने अहम बात कही है डॉक्टर चावला, कि लापरवाह नहीं होना, पैनिक नहीं होना, लेकिन लापरवाह भी नहीं रहना, अपने आप को सुरक्षित हमें रखना है. बहुत शुक्रिया आप दोनों खास मेहमानों का, आप चर्चा में हमारे साथ जुड़े. तो आज हमने नए वेरिएंट के लिए बात की कि कितनी बड़ी चुनौती, कितना बड़ा चैलेंज ये भारत के लिए रहने वाला है. अब ऐसे में लोगों से भी ये उम्मीद की जा रही है कि वो भी तमाम जो नियम हैं जो कोविड को लेकर किए जाते हैं उनको अपनाएंगे. फिलहाल के लिए खास पेशकश में इतना ही, नमस्कार.